नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी के पेपर्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी चर्चा परिचर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने इंडियन फिलॉसफी के क्वेश्चंस को देखा। इंडियन फिलॉसफी की क्या डिमांड रही, उसके प्रश्न पत्र का स्तर क्या था, उसका लेवल क्या था, उन सबको हमने चर्चा किया। आज हम कोशिश करेंगे उसी क्रम में धर्म दर्शन को देखने की। पहली बात, हम चार अलग अलग क्लासेस में पूरा सेक्शन देखेंगे। एक क्लास में मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, तो हम चार अलग अलग क्लासेस में सब कुछ देखेंगे। शुरू करते हैं अपने पढ़ाने। धर्म दर्शन वैसे भी बड़ा ही एक अपने आप में विवादित प्रश्न पत्र रहता है। विवादित इन द सेंस, बच्चे कहते हैं कि सर इसमें समझ में नहीं आया लिखना क्या था। तो धर्म दर्शन के ऊपर मुझे हमेशा लगता है कि इस पर थोड़ी सी हमें चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, धर्म दर्शन जो है अपने आप में एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसी यूनिट है कि अगर उसमें आपकी थोड़ा सा मतलब उसमें आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपका जो ऐसे वाला सेक्शन है वो भी उसमें कवर हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर आपने प्रश्न पत्र देख लिया होगा। प्रश्न पत्र कैसा रहा, इसका स्तर क्या था, क्या नयापन देखा गया, ये सब हम क्लास के बाद में चर्चा करेंगे। पहले सेक्शन में प्रश्न संख्या 5, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न 10 नंबर का है, वो आपको साइड में इंगित कर दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है न्याय दर्शन से कि भैया न्याय दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप है उसकी विवेचना कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि अभी अगर मैं कुछ टाइम का ट्रेंड देखूं यूपीएससी का, तो उसमें अब दर्शन स्कूल के आधार पर धर्म दर्शन को पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करते हैं या बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं, उनमें भी अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले नॉर्मली होता था कि भारतीय दर्शन में ईश्वर की अवधारणा क्या है समझाइए, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, बात खत्म हो गई। बट अब पर्टिकुलरली एक एक स्कूल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया न्याय दर्शन में ईश्वर कैसा है ये समझाइए, सांख्य दर्शन में ईश्वर कैसा है ये समझाइए, योग में ईश्वर कैसा है ये समझाइए। तो ये एक अपने आप में धर्म दर्शन की सबसे बड़ी आने वाले समय में आपके लिए तकलीफ हो सकती है। तो इसमें सजेशन आपके लिए यही है कि अब अगर आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उस इंडियन फिलॉसफी को स्पेशली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िएगा। अभी देखा ये गया है, एक समस्या देखी गई है अभी कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं भारतीय दर्शन की और धर्म दर्शन की, तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन का धर्म दर्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, धर्म दर्शन का भारतीय दर्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, जो कि गलत है। भारतीय दर्शन और धर्म दर्शन एक ही तरीके से काम कर रहा है, पाश्चात्य दर्शन धर्म दर्शन एक ही तरीके से काम कर रहा है। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस बार अगर न्याय दर्शन पूछा है तो हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि मीमांसा दर्शन का ईश्वर कैसा है, वेदांत का ईश्वर कैसा है, किसी भी दर्शन का ईश्वर पूछा जा सकता है। अब भारतीय दर्शन में ईश्वर की कुछ ही अवधारणाएं हैं, ज्यादा अवधारणाएं नहीं है हमारे पास। एक अवधारणा कहती है कि ईश्वर जो है ईश्वर वास्तव में नहीं है, वास्तव में हम उसे ईश्वर नहीं कह सकते, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ही है, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ कहते हैं कि जो प्रकृति भी कुछ भी नहीं है, जो आपके अणु हैं, जो आपके मटेरियल्स हैं, जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव ये जितने भी अलग अलग कण हैं यही सब कुछ है। कुछ कहेंगे नहीं ईश्वर तो है, कुछ कहेंगे नहीं ईश्वर को आपने डायरेक्ट कैसे पढ़ लिया, ईश्वर के भी दो पार्ट्स हैं, सगुण और निर्गुण। तो ये तीन या चार ही फिलॉसफी है जो पूरी इंडियन फिलॉसफी में चलती है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक कॉपी लीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पेपर के ऊपर 5 तरह की ईश्वर की अवधारणाएं हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि ईश्वर जो है ईश्वर वास्तविक ईश्वर है, सगुण ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर है, ब्रह्म की संकल्पना हो गई। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि स्वभाववाद हो गया, इसके अलावा मैं कहूं कि प्रकृतिवाद हो गया, तो ये 5-6 अवधारणाएं लिख लीजिए। इसके मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो लिख लीजिए। देन थर्ड सेक्शन में कौन कौन इसको मानने वाला है वो लिख लीजिए।
इससे फायदा क्या होगा, जब एग्जाम आएगा आपके पास में अगली बार, जब एग्जाम आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं फेस करनी पड़ेगी कि मैं इसमें क्या लिखूं, आपको पता होगा कि ये पूछा है मतलब ये होता है, मुझे पता है, सिंपल। नेक्स्ट, रिलीजियस प्लुरलिज्म, धार्मिक बहुलवाद जो है, प्लुरलिज्म मतलब आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर समझने की मैं कोशिश करूं तो धार्मिक बहुलवाद, धार्मिक दर्शन की या धर्म दर्शन की एक ऐसी अवधारणा है जहां पर बहुत सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या बहुत सारे धर्म जहां पर एक साथ रहते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जब बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं तो आप अपने विचारों को, अपनी पद्धतियों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी एक और बेनिफिट ये है कि एक प्योरिफिकेशन या शुद्धता जिसे कहा जाता है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस विचारधारा में कभी ये नहीं माना जाता कि आप छोटे हैं या मैं बड़ा हूँ, यहाँ सभी को समभाव से देखा जाता है। यहाँ इतना सा ही कंसेप्ट है कि आप एक मोहल्ले की कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से शहर की कल्पना कीजिए जहाँ पर दुनिया के सारे धर्मों को आपने लाकर डाल दिया और वो सारे धर्म वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। ये आपका रिलीजियस प्लुरलिज्म हो गया, धार्मिक बहुलवाद हो गया। अब इनके अंदर, इन सभी के अंदर जो परम सत्य है उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो परम सत्य क्या एक इंसान का परम सत्य माना जाएगा या आपका परम सत्य माना जाएगा, सभी का एक कॉमन परम सत्य होगा, ये किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं? रिलीजियस प्लुरलिज्म के अंदर जो परम सत्य है, बेसिकली देखा जाता है रिलीजियस प्लुरलिज्म में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता है, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, रिलीजियस प्लुरलिज्म में जिस धर्म की संख्या जो है बहुत ज्यादा होती है, जिस धर्म की पॉपुलेशन या जिस धर्म के फॉलोअर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसी का वहां पर डोमिनेशन या प्रभुत्व देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है वहां का जो परम सत्य होगा वो भी वहां के धर्म विशेष प्रधान ही होगा। जो वहां का विशेष धर्म है, जो वहां का बड़ा धर्म है, उसी के आधार पर आप परम सत्य की बात करेंगे। लेकिन फिर भी रिलीजियस प्लुरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो कभी भी अपना इंडिविजुअल परम सत्य नहीं बनाता है, वो सभी से बात करके, सभी से चर्चा करके, सभी से परिचर्चा करके, डिस्कशंस करके, उसके बाद अपनी थ्योरीज को डेवलप करता है। तो ये इसकी एक ब्यूटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बहुधर्मी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता संभव है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी? और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि कंसेप्ट लगभग वैसा ही है। बहुधर्मी समाज है, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता संभव है क्या? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रिलीजियस फिलॉसफी का कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। रिलीजियस फिलॉसफी का कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है। रिलीजियस फिलॉसफी में आप अपनी भावनाओं को हमेशा दबा के रखिएगा, दबा के इन द सेंस, जैसे यहाँ पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता संभव है क्या, और आप भावनाओं में बह जाएंगे कि नहीं सर नहीं है, या आप भावनाओं में बह जाएंगे हाँ बिल्कुल है, नहीं। ये धर्म दर्शन है, धर्म दर्शन हमेशा समान नहीं होता, ये परिवर्तनशील है। ये हमारे स्थान पर हो सकता है अलग तरीके से काम कर रहा हो, आपके स्थान पर ये अलग तरीके से काम कर रहा होगा, कहीं और तरीके से काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं, ये संभावनाओं में काम करता है, ये विश्वास पर काम करता है। धर्म का या धर्म दर्शन का एक ही आधार है, वो है विश्वास, बिलीव सिस्टम। ये बिलीव सिस्टम पर काम करता है। तो क्या बहुधर्मी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता संभव है? संभव है, अगर जहां सभी को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं, संभव है अगर हम सभी जिज्ञासु हों, संभव है अगर हम सभी शुद्धिकरण की बात करें। लेकिन यह संभव नहीं है जब आप अपने डोमिनेशन की बात करें, ये संभव नहीं है जब आप अपने धर्म को छोड़ने को ही तैयार ना हो, जब आप कुरीतियों को छोड़ने को ही तैयार ना हो, तो ये संभव नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन को, दोनों आंसर्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। धर्म दर्शन में अगर आपने अपनी इमोशंस के साथ आंसर लिखना की कोशिश करी तो आप शायद सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्या ईश्वर में विश्वास के बिना धार्मिक जीवन संभव है? इज रिलीजियस लाइफ पॉसिबल विदाउट द बिलीव इन गॉड? क्या कहेंगे इसमें आप? मैंने एक बड़ी ही विडंबना देखी, एक बड़ी छोटी सी चीज देखी मैंने, एक
लोग कहते हैं कि सर भारतीय दर्शन में जो है ईश्वर विहीन धर्म का एक चैप्टर आता है, रिलीजियस या रिलीजन विदाउट गॉड, जिसके अंदर हम जैन दर्शन को पढ़ते हैं, हम बुद्ध दर्शन को पढ़ते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा कि वहाँ उस चैप्टर को आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से उसका अनुवाद कर रहे हैं, वो कुछ और पूछ रहा है आपसे। जब वो आपसे ये कह रहा है कि ईश्वर विहीन धर्म, तो वहाँ उस ईश्वर की बात की गई है जो ईश्वर वेदों में लिखा गया है, वेदों में वर्णित ईश्वर के बिना भी किसी धर्म की संभावना है, और वो है जैन धर्म और बुद्ध धर्म। ये ईश्वर का खंडन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ईश्वर का खंडन नहीं किया, इन्होंने उस ईश्वर का खंडन किया जो ईश्वर आपके वेदों में लिखा हुआ था, जो ईश्वर आपके उपनिषदों में लिखा हुआ था। इन्होंने कहा आत्मा तो है, इन्होंने कहा ईश्वर तो है, इन्होंने कहा स्वर्ग नरक मोक्ष है, सब कुछ है, लेकिन जैसा वेदों में लिखा हुआ है वो गलत। तो यहां जब प्रश्न पूछा जाता है ईश्वर में विश्वास के बिना क्या धार्मिक जीवन संभव है, तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप चार्वाक दर्शन की बात करते हैं, चार्वाक दर्शन धार्मिक नहीं है, ये आप कहते हैं या मैं भी कहता हूं, सभी कहते हैं ये बात। तो यहां पर आपको इंडियन फिलोसॉफी का द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन उठाना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में धार्मिकता का मतलब है मोरालिटी, एथिक्स, नैतिकता, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, प्रेम करना, नफरत का त्याग करना, सपोर्टिंग सिस्टम। ईश्वर के बिना ये तो संभव है, ये तो हो सकता है, बट कितना हो सकता है ये आपको अब डिसाइड करना होगा। आप इसमें क्या लिखते हैं, आपके विचार इसमें क्या होंगे, मैंने आपको हिंट दिया। नेक्स्ट, अशुभ के अस्तित्व के संदर्भ में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विरोध धावास की विवेचना कीजिए। अशुभ की समस्या न केवल यूपीएससी का बल्कि आपके जितने भी स्टेट पीसीएसई हैं उन सभी के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वेस्टर्न फिलॉसफी का कंसेप्ट है, इंडियन फिलॉसफी में ये नहीं चलता है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इसकी शुरुआत भी बहुत पुरानी है, मतलब ये कोई लेटेस्ट कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत ग्रीक जो टाइम था इनका, उस समय उसको चरम पे देखा गया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अशुभ का कंसेप्ट भी आने लगा, जब वहां पर धार्मिकता धीरे धीरे प्रचलित होने लगी, जब वहां धर्म ज्यादा बढ़ने लगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दुनिया ग्रुप में चलती है, तो धर्म जब प्रचलित होने लगा तो एक नई विचारधारा पैदा हुई, क्या राक्षस का अस्तित्व है, क्या शैतान का अस्तित्व है, क्या अशुभ का अस्तित्व है, क्या अशुभ का अस्तित्व है, अशुभ के अस्तित्व को वहां पर लाया गया। और इसके संदर्भ में जो ईश्वर ताकतवर है उसके विरोध में इन्होंने क्या कहा कि अगर ये ताकतवर होता तो ये अशुभ बनता ही क्यों, अगर ईश्वर नहीं अशुभ बनाया है तो ईश्वर पागल थोड़ी ही है, हमारे नुकसान के लिए अशुभ को बना रहा है। ऐसे अलग अलग इसकी आलोचना की गई, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मैंने आपसे पहले भी कहा रिलीजियस फिलॉसफी कभी भी एक जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि रिलीजियस फिलॉसफी का बेस जो है बिलीव है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू परंपरा के विशेष संदर्भ में आत्मा की अमरता, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आत्मा का कंसेप्ट जो है अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो चार्वाक दर्शन ने भी आत्मा को तो माना है। हाँ, आप ये कहते हैं कि सर नहीं, चार्वाक दर्शन ने तो आत्मा को नहीं माना, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चार्वाक दर्शन ने नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, ऐसी आत्मा को नहीं माना। चार्वाक दर्शन कहता है ये शरीर ही आत्मा है, देह आत्मावाद, ये शरीर ही आत्मा है, जिस वक्त ये शरीर खत्म हो जाएगा ये आत्मा खत्म हो जाएगी, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। तो आत्मा का अस्तित्व तो उन्होंने भी माना। बुद्ध धर्म ने उसे परिवर्तनशील कह दिया, आस्तिक दार्शनिकों ने उसे नित्य शाश्वत कह दिया, तो ये अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, और मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान की भूमिका क्या है ये समझाइए। ध्यान रखिएगा अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत वेदांत शाखा का सबसे प्रमुख
सेक्शन है, सबसे प्रमुख विभाग है, और ये केवल और केवल ज्ञान कांड के ऊपर ही आधारित है। ये ज्ञान की ही बात करता है, ये कर्मों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है। कर्मों के ऊपर फोकस किया गया जब आगे आगे नए नए वेदांती और आएंगे उस वक्त। शंकराचार्य ने ऐसा नहीं किया। मोक्ष क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन फिर मैं किसमें खोया हुआ हूं? मैं इस जगत में खोया हुआ हूं। क्या करना है मुझे? मुझे पहचानना है। किसे पहचानना है? कि ये जगत तो मिथ्या है। उससे क्या होगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि जिसमें आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है, आपके विचार जिसमें घुसे हुए हैं, वो तो आपके लायक ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो परिवर्तनशील था। तो किसे पकड़ा जाए? उसे पकड़ा जाए जो परिवर्तनशील नहीं है। कौन? ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म को सत्य कह दिया तो ब्रह्म को सत्य कहकर फिर मैं क्या कहूं? जब ब्रह्म को मैंने सत्य कह दिया तो मैंने ये नहीं पहचाना कि ब्रह्म कौन है। अहम ब्रह्मास्मि। यही मोक्ष है। भौतिक संसार से जब आपके संबंध टूट जाए, भौतिक संसार से जब आपकी लालसा छूट जाए, और जब आप ये पहचान ले कि सारी शक्तियां मेरे अंदर है, यही मोक्ष है। और इसके लिए आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। सिंपल। क्या आप समझते हैं कि धर्म और नैतिकता अवियोज्य है, इनसेपरेबल है? अब ये तो आपके ऊपर है निर्भर कि आप क्या कहते हैं इसे। धर्म क्या है, नैतिकता क्या है? भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो नहीं है, दोनों एक ही है। और पाश्चात्य दर्शन में देखें दोनों अलग अलग हैं। सेवन, धर्म में तर्क और आस्था की भूमिका की विवेचना कीजिए। धर्म में अगर तर्क आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है तर्क धर्म का शुद्धिकरण करता है। लेकिन दूसरी दिक्कत है, अगर हम ज्यादा तर्कों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो जो धर्म की एक, जिसको कहा जाता है कि एक शुद्धता जिसे हम कहते हैं, या एक 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 स्वरूप जो है उसका वास्तविक स्वरूप बिगड़ जाता है उसका। ज्यादा तर्क करने से उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, तो वहां पर आस्था जरूरी है। लेकिन तर्क और आस्था को अगर थोड़ा बैलेंस किया जाए तो तर्क के द्वारा हम अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं और आस्था के द्वारा धर्म को मजबूत बना सकते हैं, तो ये दोनों का फायदा है। क्या तर्क धार्मिक विश्वास के प्रतिपादन के अंदर नियामक तत्व हो सकते हैं? हाँ शायद। मैंने आपसे पहले भी कहा था धर्म दर्शन का कोई फिक्स आंसर नहीं है। धर्म दर्शन संभावनाओं पे चलता है, पॉसिबिलिटीज पे चलता है। शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। सिंपल। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए नैतिक तर्क का आलोचनात्मक विवरण आपको यहां पर देना है। क्रिटिकली आपको इसको एग्जामिन करना है, अलग अलग तरीके से आपको इसको चेक करना है कि नैतिक तर्क क्या है ईश्वर के लिए। जैसे सिंपल दो तीन एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा, हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, ईश्वर उसी के अनुपात में हमें रिवॉर्ड देता है या हमें पनिशमेंट देता है। तो इस तरीके से हम इस ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस क्या है? वैदिक ट्रेडिशनल में आपको इसको समझाना है। यहां पर एक बड़ी कंफ्यूजन स्टेट आ जाती है कि सर कैसे, तो आपको जाना पड़ेगा वेदांत दर्शन की स्टार्टिंग में नहीं, वेदांत दर्शन के थोड़ा सा एंड के चैतन्य महाप्रभु को आप देखिए, वल्लभाचार्य को आप देखिए। शंकराचार्य को तो हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। शंकराचार्य को समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। शंकराचार्य के लिए हमें गहराई चाहिए। शंकराचार्य जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये भी एक रिलीजियस एक्सपीरियंस है, ये भी धार्मिक अनुभूति है। ये किताब में पढ़कर उन्होंने नहीं बोल दिया जैसे मैं बोल रहा हूं। ये किताब में पढ़ के शंकराचार्य ने नहीं कहा। शंकराचार्य ने इतनी अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से इस चीज को फील किया अहम ब्रह्मास्मि। ये भी रिलीजियस एक्सपीरियंस था। लेकिन वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने आपको समझाया कि किस प्रकार हम इस ईश्वर की शक्तियों की, इनकी अनुभूति कर सकते हैं। हम नृत्य कर कर, गायन कर कर, वादन करके, अलग अलग तरीकों से। नेक्स्ट, धार्मिक भाषा संबंधी असंज्ञानात्मक सिद्धांत जो है आपका नॉन कॉग्निटिव थ्योरी, समझाइए। आरबी ब्रथवेट के विचारों के आलोक में इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था रिलीजियस लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलीजियस लैंग्वेज के अंदर अब जो अलग अलग थिंकर्स के नाम पूछे जा रहे हैं, अलग अलग विचारकों के नाम पूछे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ही पेचीदा प्रश्न होता जा रहा है।
कि अब इसमें क्या करें। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन में देखिए, दो अलग अलग फिलोसफर के हिसाब से, एक आपसे पूछा है आरबी ब्रेथवेट और एक आपसे पूछा है पॉर्टलिच, दोनों के हिसाब से रिलीजियस लैंग्वेज की बात की जा रही है। रिलीजियस लैंग्वेज दो चीजें हैं, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी एक किस्मत की बात हुई कि दोनों ही थिंकर एक क्वेश्चन में आ गए। आप चाहें तो इसे लेफ्ट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है। बट अगर ये दोनों क्वेश्चन फैले हुए आते, मतलब ये पहले क्वेश्चन में भी आ जाता और सेकंड में भी आ जाता और थर्ड में भी आ जाता, तो एक बड़ी ही विपत्ति हो जाती हमारे सामने। तो कुछ ही फिलोसफर है, दो तीन बुक्स है, आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा वो बुक्स, एक बार आप उनकी स्टडी कीजिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। एक क्वेश्चन खत्म करके फिर वापस शुरू करता हूं। हिंदू धर्म की एक आवश्यक पूर्व मान्यता के रूप में कर्म के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। कर्म जो है एक एसेंशियल पोस्टुलेट है आपके लिए। एसेंशियल पोस्टुलेट का मतलब हो गया कि ये एक एसेंशियल फिक्स है, करना पड़ेगा, आपकी नीड है ये, तो ये एसेंशियल है। जैसे कि मेरे लिए खाना एसेंशियल है, मेरे लिए पहनना एसेंशियल है, सोना एसेंशियल है, ये भी एसेंशियल है। तो हिंदू धर्म की ये आवश्यक पूर्व मान्यता है कि कर्म हमारे लिए जरूरी है, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। वेदों से हम कहानी शुरू कर सकते हैं, भगवद गीता से हम कहानी शुरू करते हैं, विवेकानंद पर हम कहानी ले जा सकते हैं, महात्मा गांधी पर हम कहानी ले जा सकते हैं, जहां पर आप ले जाना चाहें, ये आपका प्रश्न है। वापस से मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, मैं क्या कह रहा था, एक बुक है। तो अभी जो कंडीशन चल रही है, मैंने एक देखा रिलीजियस फिलॉसफी में दिक्कत क्या आ रही है, हम रिलीजियस फिलॉसफी में कुछ स्पेसिफिक नोट्स के ऊपर ही निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे नोट्स मुझसे ले लिए और उसके अलावा आपने कहीं कुछ देखा ही नहीं, ये थोड़ी सी एक बड़ी समस्या है। रिलीजियस फिलॉसफी एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। दूसरी बात, रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर लिमिट्स नहीं है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बट हमको कुछ चीज़ों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि मोक्ष है, आत्मा है, अशुभ की समस्या है, ईश्वर के विचार हैं, ये पांच छह टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। कई बार दो टॉपिक नहीं आएंगे, कई बार सारे आ जाएंगे, तो इस तरीके से। अगर हम पेपर के स्तर की बात करें, रिलीजियस फिलॉसफी का पेपर इस बार इजी नहीं था, इजी से थोड़ा सा ऊपर था, आसान नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बच्चा उठकर आएगा और इस पेपर को कर देगा, ऐसा पेपर नहीं था। रिलीजियस फिलॉसफी का पेपर टफ था इस बार थोड़ा सा, ये देखा गया है। दूसरी बात, रिलीजियस फिलॉसफी ने इस बार फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ चौंकाया कि इस पेपर में चेंजेस होने वाले हैं, इस पेपर में भी अब परिवर्तन होंगे। प्रश्नों का जो लेवल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। ओवरऑल देखें तो रिलीजियस फिलॉसफी, अगर आपने प्रिपरेशन करी थी, सभी पॉइंट्स को टच किया था, तो आपके लिए अच्छा था, इसमें कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं थी। नेक्स्ट क्लास में हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखेंगे, बुधवार को क्लास आएगी आपकी, और उसके बाद फिर हम सैटरडे को देखेंगे आपकी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। धन्यवाद।